So hi everyone. Let's start with the revision of SA 500 series. I welcome you all for this power packed revision of SA 500 series. बहुत से लोगों को यही मन में चल रहा है कि अरे 500 सीरीज़ बहुत लंबा है तो हम लोग का रिविजन ठीक से हुआ नहीं है, तो रिविजन लेक्चर्स लोग मुझे पूछ ही रहे थे. तो हियर इट इज़, आई एम डायरेक्टली टेकिंग अप द रिविजन लेक्चर फर्स्ट ऑफ 500 सीरीज़. जितना होगा उतना लेंगे अपन, ठीक है. लेकिन पहले मैं 500 सीरीज़ को इसलिए टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि देखो कंपनी ऑर्डर्ड कारों सबका ही अच्छा होता है, 200 सीरीज, 600, 700 सबके ही अच्छे होते हैं. तो आई वुड वॉन्ट टू फर्स्ट स्टार्ट विथ 500 सीरीज़. बहुत सिंपल है पूरी सीरीज़, ठीक है. सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा जो एग्ज़ाम में करने लायक हैं, ठीक है. और जल्दी जल्दी सुन लेना, समझ लेना, ठीक है. और है ना साथ साथ में मेरे है ना ये समरी नोट्स बना लेना, तुमको अच्छा लगेगा, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे 500 पता, सबसे पहले अपन कौन सा स्टैंडर्ड ले रहे हैं, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, ठीक है. ओके, अब ऐसे 500 में एक जो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है. अब ये पहला क्वेश्चन किसके ऊपर है, बेसिकली वो लोग बोल रहे हैं ऑडिट एविडेंस का मतलब बताओ. तो ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या हो रहा है, ऑडिट एविडेंस का मतलब एक इन्फॉर्मेशन है. ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है, इट इज़ बेसिकली एन इन्फॉर्मेशन. मतलब मैं सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई माहौल वाहौल नहीं बनाने वाला हूँ. सीधा ही आंसर तुम्हें याद करवा दूंगा, समझा दूंगा है क्या क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है. बस तुमको भी इतना ही चाहिए ना कि क्वेश्चन क्या, आंसर क्या क्या आने वाला है उसको समझा दो. तो बस वही समझा रहा हूँ, ठीक है. तो ज़्यादा कुछ बिल्डअप ये वो बैकड्रॉप नहीं दे रहा हूँ मैं, डायरेक्टली स्टार्ट. पहला क्वेश्चन ये आ सकता है ऐसे 500 में से, और ऐसे 500 का एग्जाम में आने का चांस रहता है. तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऑडिट एविडेंस का मतलब बताओ. ऑडिट एविडेंस मतलब है कि ऑडिट एविडेंस मतलब एक इन्फॉर्मेशन है जिससे हम एक कंक्लूजन पे आते हैं, और कंक्लूजन से हम क्या बनाते हैं, ओपिनियन बनाते हैं. और ये इन्फॉर्मेशन दो टाइप की होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, अदर इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है. तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर वन किसके ऊपर है, क्वेश्चन नंबर वन इसके ऊपर है कि ऑडिट एविडेंस मतलब क्या है, ठीक है. और ऑडिट एविडेंस मतलब क्या है, तो वो लोग बोलते हैं ऑडिट एविडेंस एक इन्फॉर्मेशन है. ऑडिट एविडेंस क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है जिससे हम किस पे आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं, और कंक्लूजन से हम क्या बनाते हैं, ओपिनियन बनाते हैं, करेक्ट है. कंक्लूजन से क्या बनाते हैं, हम ओपिनियन बनाते हैं, और वो ओपिनियन ही तो ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हैं ना, ठीक है. तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उससे अपने को मीनिंग भी याद हो जाएगा कि वी कैन ईजिली फ्रेम कि वॉट इज़ एन ऑडिट एविडेंस. इट इज़ एन इन्फॉर्मेशन विच हेल्प्स द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन एंड विच हेल्प्स अस ऑन द बेस ऑफ विच ही फॉर्म्स एन ओपिनियन. मतलब अपने ओन वर्ड्स में लिखना, इन वर्ड्स के साथ खेलना है, ठीक है. अब वो इन्फॉर्मेशन का टाइप्स पूछेंगे वो लोग कि ये इन्फॉर्मेशन क्या टाइप्स की होती है, समझ में आ रहा है, ठीक है. तो वो इन्फॉर्मेशन के दो टाइप्स हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है. अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या हो गया, वही जर्नल, लेजर, ये सब हो गया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, ठीक है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है जर्नल लेजर, ठीक है. और क्या क्या हो गया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, ठीक है. तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी एंटर करती है, लोन का अग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सब इनवॉइसेस हो गए. तो बस ये दो चार याद रख लिए, यहाँ पे बहुत हो गया. अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आ जाता है, अदर इन्फॉर्मेशन में मिनट्स हो गया, रिटर्न कन्फर्मेशन हो गया, और मैनुअल हो गया. अदर इन्फॉर्मेशन क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन मीन्स एन इन्फॉर्मेशन विच ऑथेंटिकेट्स द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वो मैं कैसे इंश्योर कर सकता हूँ कि पक्का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास हुआ था, ORSR पास हुआ था, मीटिंग में इसका डिस्कशन हुआ था. तो हाउ विल आई इंश्योर, मतलब कि मेक श्योर कि पक्का ऐसा हुआ था, तो मैं मिनट्स चेक कर लूँगा मीटिंग के. तो इसलिए अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आ गया, मिनट्स आ गए, समझ में आ रहे. मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लूँगा, समझ में आ रहे. तो ये सब चीज़ें हो गई, रिटर्न कन्फर्मेशन ले लूँगा, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी आ गया उसके अंदर, और एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भी आ गया. तो उनसे ये बातें कन्फर्म होती जाएगी, अकाउंट्स वाली जो भी इन्फॉर्मेशन है हम कन्फर्म कर सकते हैं, समझ में आ रहा है. इनकी मैनुअल पढ़ सकते हैं, मैनुअल्स मतलब इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड. ये लोग ने जो भी पॉलिसी प्रोसीजर बनाई होगी ना कंपनी ने, IT सिक्योरिटी पॉलिसी, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ने IT का
डिपार्टमेंट बनाया है, सब कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आईटी पे ये है वो है, तो उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी या आईटी पॉलिसी में वो सारी बातें कवर होती है कि नहीं होती है। तो ये दो टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन। बस ये लोग शॉर्ट नोट इसी के ऊपर पूछते हैं, और इतना लिख दिया तो तुम्हारा 4-5 माह का शॉर्ट नोट रेडी है। तो व्हाट इज़ ऑडिट एविडेंस एंड व्हाट आर द टाइप्स? ऑडिट एविडेंस मतलब इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन की दो टाइप्स, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अदर इन्फॉर्मेशन। तो बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं, इनफैक्ट अभी रिसेंट पेपर्स में पूछ लिया है, ठीक है। आरटीपी नवंबर 23 में भी था, इसके ऊपर मॉड्यूल में भी एक इंटरनल एग्जाम्पल है, तुम यहाँ से देख सकते हो बाद में, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है। साथ साथ में मेरे बनाते रहो तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंड्स ऑन द बेस ऑफ नेचर एंड सोर्स। किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर एंड सोर्स। तुम भी घर पे ऐसे प्रैक्टिस करो तो फटाफट रिवीजन हो जाएगा और मन बना रहेगा। बेसिकली नेचर और सोर्स, नेचर मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, ओरल, विजुअल, डॉक्यूमेंट्री। सोर्स मतलब इंटरनल, एक्सटर्नल। अब एक एक वर्ड को एक एक लाइन में, एक 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 वर्ड में समझा देना है। व्हाट इज ओरल एविडेंस? ओरल मतलब दैट विच कैन बी ऑब्टेन्ड इन, मतलब दैट ओरल एविडेंस मतलब जैसे मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, ठीक है, तो दैट विच कैन बी लिसन्ड, जो मैं सुन सकता हूँ वो ओरल है। एग्जाम्पल हो गया इंक्वायरी, ऑब्टेन इंक्वायरी फ्रॉम ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज बोलते ही है ना अपन। विजुअल मतलब दैट विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, जैसे इन्वेंट्री काउंटिंग हो रहा है, मैं वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इन्वेंट्री काउंटिंग। डॉक्यूमेंट्री दैट विच कैन बी ऑब्टेन्ड इन रिटन फॉर्म, करेक्ट है। और रिटन फॉर्म में तो कुछ भी, मतलब रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये सब अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो बस एक एक लाइन इसके लिख दिया गया है। व्हाट यू मीन बाय ओरल एविडेंस? एविडेंस दैट विच कैन बी लिसन्ड, एविडेंस दैट विच कैन बी ऑब्जर्व, एविडेंस दैट विच कैन बी ऑब्जर्व ऑब्टेन इन रिटन फॉर्म। एग्जाम्पल सबके अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये तीनों एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, आई होप समझ में आ रहे हैं। इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब विच ओरिजिनेट्स, एनी एविडेंस विच ओरिजिनेट्स विद इन या फिर आउटसाइड द एंटिटी। एविडेंस विच ओरिजिनेट्स विद इन, एविडेंस विच ओरिजिनेट्स आउटसाइड। एग्जाम्पल बहुत सिंपल, सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस। पता, ये एक और क्वेश्चन रेडी हो गया। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी भी आ सकता है, इसके ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन एविडेंस, बेस्ड ऑन द नेचर मतलब वो कैसा है एविडेंस, सोर्स मतलब वो कहाँ से आया है। सबको मालूम है इंटरनल ऑडिट एविडेंस इज लेस रिलायबल, एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस इज मोर रिलायबल, ठीक है। वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। और इसके ऊपर के अगर कोई पीपीक्यूज है, जैसे यहाँ पे तो एक इंटरनल एग्जाम्पल ही है, पर इसके ऊपर के कोई पीपीक्यूज है तो साथ साथ में वो भी देखते जाना नोट्स में से। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस या ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ये यहीं से कर लेते हैं देखने, मतलब इसके लिए कोई चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन एंड रिटन रिप्रेजेंटेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब वही, लुकिंग एट अ प्रोसेस बींग परफॉर्म बाय अदर्स, जैसे इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है, मैं देखने चला गया। इंस्पेक्शन मतलब इंस्पेक्शन हमेशा डॉक्यूमेंट्स के केस में होता है, या फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन असेट हो गया, ये देखने के कि वो उसकी कंडीशन सही तो है असेट की। सेम इन्वेंट्री की कंडीशन देखने भी अपन यूज़ कर सकते हैं ये। तो इंस्पेक्शन मतलब हमेशा होता है इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन असेट, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये ऑब्जर्वेशन हो गया, ये इंस्पेक्शन हो गया, एग्जामिनेशन, सब में एक एक दो दो वर्ड याद रखने का। ऑब्जर्वेशन मतलब लुकिंग एट अ प्रोसेस बींग परफॉर्म बाय अदर्स, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स या फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन असेट, ठीक है। फिर हो गया इंक्वायरी,
इंक्वायरी मतलब नॉलेजेबल पर्सन से इन्फॉर्मेशन लेना, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन विद इन द एंटिटी, इन्फॉर्मेशन लेना नॉलेजेबल लोगों से, उसको बोलते हैं इंक्वायरी, ये हो गया खत्म। रिकैलकुलेशन मतलब एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, मतलब चेकिंग ऑफ एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैलकुलेशन जो भी है, ठीक है, मैनुअली भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं। री परफॉर्मेंस मतलब जो भी प्रोसीजर मैनेजमेंट ने किया वो मैं खुद करके देख रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्रीज की है बहुत सारी, मैं थोड़ी सी करके देख लेता हूँ, समझ में आ रहा है। सो री परफॉर्मेंस में स्टॉक काउंट करने, स्टॉक काउंटिंग अटेंड करने गया, वहाँ पे वो लोग ने बोला एक लॉट में 20-20 यूनिट होता है, समझ में आ रहा है। तो मैंने खुद काउंटिंग कर ली एक लॉट की, तो मतलब मैंने री परफॉर्म किया। सो इट इज़ ऑडिटर का इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर, मतलब ऑडिटर एक प्रोसीजर एग्जीक्यूट कर रहा है जो एक्चुअली परफॉर्म हुआ था बाय द मैनेजमेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर इंटरनल कंट्रोल। री परफॉर्मेंस भी हो गया, जैसे वो लोग ने BRS बनाया तो मैंने थोड़ा सा हर महीने का BRS बनाया, 12 महीने का बनाया, मैंने 1-2 महीने का बना के देख लिया। एनालिटिकल प्रोसीजर, सो व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल प्रोसीजर, इसके ऊपर तो 520 है, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज एंड ट्रेंड्स, रेशियो एनालिसिस करना, और अगर कुछ फ्लक्चुएशंस मिले तो उनमें इन्वेस्टिगेट करना, दैट्स इट। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मतलब इसके ऊपर SF 505 है, उसके अंदर भी डेफिनेशन आएगा कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मतलब क्या है, एक ऑडिट एविडेंस है जो ऑडिटर ऑब्टेन करता है एज ए डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स, मतलब डायरेक्टली मिलता है, हम जाते हैं ऑब्वियसली मैनेजमेंट के थ्रू लेकिन मिलता हमें डायरेक्टली है, तो आई गेस ये सबको समझ में आता है। तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में वैसे भी इसका मीनिंग याद हो जाता है, एग्जाम्पल जो ब्रैकेट ब्रैकेट में वो तो मैं याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मतलब एक रिटर्न स्टेटमेंट है, क्लैरिफिकेशन है, एक्सप्लेनेशन है गिवन बाय द मैनेजमेंट टू कन्फर्म सर्टेन मैटर्स। अब इसको याद कैसे रखना है, इसको याद है ना इस ये एक एक ऐसे ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन इंक्वायरी को एक लॉट में याद रखना, रिकैलकुलेशन री परफॉर्मेंस सबको अच्छे से याद रह जाता है, रिकैलकुलेशन री परफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन री परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद ऐसे याद रखना कि 3 स्टैंडर्ड है, 520, 505, 580, ऐसे करके नंबर याद रख लेना, नाम तो ऑटोमेटिकली तुम्हें याद रहेगा ही ना, 520, 505 और 580 का। तो ऑब्जर्वेशन इंक्वायरी और इंस्पेक्शन, अब सबके, अब बात आती है कि सबके ऊपर वन वन लाइनर ध्यान रखना है, तो ऑब्जर्वेशन मतलब लुकिंग एट अ प्रोसेस ऐसे याद रखना, बीइंग परफॉर्म बाय अदर। इंस्पेक्शन मतलब डॉक्यूमेंट्स और फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ असेट ऐसे याद रखना। इंक्वायरी मतलब इंफॉर्मेशन लेना फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन विद इन दी एंटिटी, ठीक है। तो सब पे है ना ये साइड में यहाँ यहाँ पे लिख के रख लो तुम, तो बेटर रहेगा कि लुकिंग एट अ प्रोसेस, या फिर ऐसे ये भी कर दिया ना तो बहुत हो गया, ऐसे भी मार्क कर दिया तो सामने सामने दिख के आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई होप ये भी समझ में आ गया अच्छे से। फिर उसके बाद इंक्वायरी के ऊपर शॉर्ट नोट है एक, इंक्वायरी के ऊपर शॉर्ट नोट में डेफिनेशन तो वही हो गया अपना, इंक्वायरी मतलब ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन रिटन या ओरल। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में या किधर भी वो लोग टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इंक्वायरी सिर्फ ओरल फॉर्म में होती है, ना जी ना, इंक्वायरी ओरल और रिटर्न फॉर्म दोनों में होती है, समझ में आ रहा है। तो इट मे रेंज फ्रॉम फॉर्मल रिटर्न इंक्वायरीज टू इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज, ये ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इंक्वायरी एक्सटेंसिवली यूज़ होती है थ्रू आउट द ऑडिट, इन एडिशन मतलब अदर ऑडिट प्रोसीजर्स तो होते ही है, इंस्पेक्शन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, साथ ही साथ इंक्वायरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मतलब इंक्वायरी बहुत एकदम सिंपल भी है ना, पूछताछ कर लिया, ठीक है। तो अब उसके रिस्पॉन्स की बात आती है, अब इंक्वायरी करूँगा तो या तो मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मेरे पास पहले थी ही नहीं, या तो मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो ऑलरेडी मेरे पास थी उसे कंफर्म करते हुए, या तो मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, समझ में आ रहा है। तो या तो मेरे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इंक्वायरी करने से जो मेरे पास पहले थी ही नहीं, या तो मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी, या तो मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कन्फर्म हो जाएगी, इज़ इट वेरी क्लियर। तो ये इतना याद रख लेना। और एविडेंस अबाउट मैनेजमेंट्स इंटेंट, ये बोल रहे कि अभी मान लो मैनेजमेंट जवाब तो दे रही है अपने को, इन्फॉर्मेशन तो दे रही है, लेकिन उनका इंटेंशन देने का है या नहीं वो कैसे मालूम पड़ता है, वो मालूम ही नहीं पड़ता है। तो वो आपको इससे मालूम पड़ सकता है कि उनका पास्ट कैसा है, वो रीज़न क्या है, कोई भी एक्शन लिया उन्होंने अभी तक बिजनेस में तो क्या रीज़न लेते हैं वो एक्शन लेने का, और वो कोई पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन कर भी सकते हैं कि नहीं, मतलब वो कुछ गलत काम कर भी सकते हैं कि नहीं। अभी गलत काम करने के लिए भी दिमाग चाहिए, तो मैनेजमेंट में उतना दिमाग है कि नहीं कि वो ऐसा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर भी सकती है कि नहीं। अच्छा, मैनेजमेंट कभी भी कोई एक्शन लेती है तो उसके पीछे उनका रीज़न कैसा होता है, एथिकल होता है, अनएथिकल होता है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट का पास्ट हिस्ट्री, ऑलरेडी ये लोग कांड किए हुए, ऑलरेडी चोर लोग हैं, तो ऑब्वियसली उनके इंटेंशन पे भी अपने को शक जाएगा, ठीक है। ओके, ये भी हो गया, बस बाकी की ठीक है। फिर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये अगला क्वेश्चन है। तो बेसिकली
इसके बाद हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था, मेथड्स, वो अपन ने नोट्स में से ही कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 उसी से निकला, इंक्वायरी का शॉर्ट नोट। क्वेश्चन नंबर 5 रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रिलायबिलिटी। ये भी बहुत सिंपल है, पर इसका क्वेश्चन बहुत खतरनाक, ये वाला एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, ध्यान में रखना। देखो पेपर लीक हो रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएगा। बहुत से लोगों के क्वेश्चन अभी भी शायद समझ में नहीं आता है, तो मैं एक बार खास कर ये क्वेश्चन ही समझाऊंगा। तो पहले मैं बता देता हूँ कि रिलायबिलिटी के ऊपर क्या क्या जनरल बातें लॉ में लिखी हुई है, रिलायबिलिटी के ऊपर क्या क्या जनरलाइजेशंस की हुई है, समझ में आ रहा है? ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी के ऊपर कुछ कुछ जनरल बातें की हुई है। सबके सबसे पहले कि एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज इज मोर रिलायबल, मतलब एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल ऑडिट एविडेंस रिलेटेड। हाँ, ऑडिट एविडेंस इज मोर रिलायबल, ठीक है, कब? व्हेन इंटरनल कंट्रोल इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एक एविडेंस जो मुझे डायरेक्टली मिला है, इट इज़ मोर रिलायबल देन जो इनडायरेक्टली मिला है। एक एविडेंस जो मुझे डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री इज मोर रिलायबल देन ओरल, ओजी इज मोर रिलायबल देन जेरोक्स फोटोकॉपी। अरे इज इट क्लियर? एकदम सिंपल है। अब अपने ओन वर्ड्स में एक एक वन वन लाइनर लिख देने का कि एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स इज मोर रिलायबल, एविडेंस व्हेन द इंटरनल कंट्रोल इज स्ट्रॉन्ग इज मोर रिलायबल, एविडेंस विच इज ऑब्टेन डायरेक्टली इज मोर रिलायबल, एविडेंस विच इज ऑब्टेन इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म इज मोर रिलायबल, एविडेंस विच इज ऑब्टेन मतलब इन ओरिजिनल फॉर्म इज मोर रिलायबल, ठीक है। ये तो लिख दिया, तो ये जनरल बातें हैं। बात समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये जनरल बातें, दीज आर जनरलाइजेशन अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। दीज आर वॉट? दीज आर जनरलाइजेशन अबाउट द, दीज आर वॉट? दीज आर जनरलाइजेशन अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हाँ, नो डाउट जनरलाइजेशन, जिधर लेके जा रहा हूँ उधर आ जाओ फटाफट, उधर पढ़ना। जनरलाइजेशन अबाउट द रिलायबिलिटी आर सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, मतलब जनरल बातें तो है ही जो अपन ने पढ़ी है, बट दे आर सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, के कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस भी आपको उतना रिलायबल ना मिले। ऐसा क्यों होगा? कब होगा? अगर जैसे मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले रहा हूँ, तो मैं तो यही सोच के बैठूंगा ना यार, अरे डेटर कंफर्मेशन है तो ये तो अच्छा ही होगा, मोर रिलायबल ही होगा। पर मान लो जिससे हमने कंफर्मेशन मांगा वो नॉलेजेबल पर्सन नहीं था, जैसे डेटर कंपनी के CFO से मांगना था पर हमने वहाँ के किसी स्टाफ से बोल दिया कि कोई भी कंफर्मेशन दे दो, तो वो उतना रिलायबल नहीं होगा ना। या फिर किसी नॉलेजेबल पर्सन ने वहाँ पर रिप्लाई दिया ही नहीं, कोई CFO था ही नहीं, तो स्टाफ ने बोल दिया वहाँ वो कर दिया उसने, तो अपने को तो भरोसा नहीं आएगा ना उसमें। तो ये एक्सेप्शनल सिनारियो हो गया। जनरल बातें तो ये है कि एक्सटर्नल इज मोर रिलायबल देन इंटरनल, पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक्सटर्नल भी उतना रिलायबल ना हो अगर वो नॉलेजेबल पर्सन से नहीं मिला हो। इज इट क्लियर? तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, वाइल रिकग्नाइजिंग दैट एक्सेप्शन मे एग्जिस्ट, कि नो डाउट ऐसा हो सकता है कि कभी कभी एक्सटर्नल भी रिलायबल ना हो, पर ये जनरल बातें हैं, मैं ये जनरल रूल है करके, और यही एज इट इज़ क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एकदम से लोगों को क्लिक नहीं होगा, ठीक है। बाकी तुम अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बात, बाकी ये क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर एक ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, तो जनरलाइजेशंस अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर एक ये क्वेश्चन है ना, मॉड्यूल में है ये क्वेश्चन, एक बार ज़रा पढ़ना कि मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क इन फॉर्मिंग ऑडिटर्स ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस, मतलब ज़्यादातर काम क्या होता है? वही जो एविडेंस इकट्ठे करना, एविडेंस को इवेल्युएट करना, और उसके बाद आप कंक्लूजन पे आ जाओगे ओपिनियन। तो मेन काम तो आपको यही है ना कि एविडेंस इकट्ठा करना और उनको, उनके ऊपर सोचना, उनको इवेल्युएट करना, उनसे कंक्लूजन मिलेगा आपको। तो ये एक थोड़ा सा जनरल सा क्वेश्चन बना है और उसका आंसर भी बहुत जनरल सा है। तो पहले तो पॉइंट नंबर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये आंसर को मैंने मोल्ड किया है, तो मेक श्योर तुम देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। तो ऑडिट एविडेंस इज नेसेसरी टू सपोर्ट ऑडिटर्स ओपिनियन, ठीक है। सोर्सेज क्या है? सोर्सेज भी अपने को मालूम ही है कि सोर्सेज ऑडिट करके मिलता है, अदर सोर्सेज भी है, प्रीवियस ऑडिट से भी मिलता है, ठीक
ठीक है, ऑडिट एविडेंस में या तो हमको चीज़ें कंफर्म होती मिलेगी, या तो कॉन्ट्राडिक्ट होती मिलेगी, या तो एविडेंस मिलेगा ही नहीं, मना कर दिया, बोले नहीं देना है, नहीं दूंगी। यस, हमने बुक्स मांगा, मना कर दिया, हमने इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांगा, मना कर दिया, समझ में आ रहा है, हमने इन्वेंट्री गोडाउन का एक्सेस मांगा, मना कर दिया, हमने इन्वेंट्री का रजिस्टर मांगा, नहीं दूंगी। इज इट क्लियर एवरीवन? सो ऑडिट एविडेंस कंप्राइजेस ऑफ, ये भी बहुत ही जनरल सी बात है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द ये क्वेश्चन का लाइन ही रिपीट कर दिया कि बहुत से बार ऑडिटर का काम क्या, ऑडिटर का मोस्ट ऑफ काम क्या होता है कि एविडेंस ऑप्टेन करना और इवेल्युएट करना और उससे कंक्लूजन पे आना, ठीक है, और ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं, तो वो भी अपने को तो याद है ना, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, नथिंग न्यू, फिर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो ये बेसिकली है ना, उन्होंने इधर उधर का खिचड़ी बना दिया ये वाले आंसर पे, पर क्या है ना, ये मॉड्यूल क्वेश्चन है, आरटीपी में भी आया है, तो यू नेवर नो, कभी ऐसा गंदा क्वेश्चन पूछ ले वो लोग एग्जाम्पल में, एग्जाम पे, तो सिंपल ध्यान में रखना कि क्या करना है तुमको उसमें, तुम उसमें है ना ऑडिट एविडेंस का मीनिंग वीनिंग लिख देना, क्या क्या हिंट दे रहा हूँ, सिंपल ऑडिट एविडेंस का मीनिंग, मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस लिख देना, प्लस सोर्सेस के बारे में लिख देना थोड़ा सा, और वो कुछ भी लिखो तुम चलेगा, ठीक है, फिर ऑडिट एविडेंस मतलब कोरोबरेटिव होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, वो लिख देने का, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन का लाइन चिपका देने का, क्वेश्चन का लाइन, ठीक है, फिर मेथड्स लिख देने का ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने का, और उसके साथ साथ में ओवरऑल ऑब्जेक्टिव लिख देने का, सिंपल यार, बहुत, वैसे भी बहुत पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट भी लिख दोगे तो गंगा ना है, बहुत हो गया। नेक्स्ट, हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंसी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंसी मतलब किस बेसिस पे मैं डिसाइड, सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट, याद है ना ऑडिट एविडेंस दो टाइप का होता है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी वाइज, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी वाइज, तो वो बोल रहे हैं कि कितना क्वांटिटी का एविडेंस ऑब्टेन करना है, किस बेसिस पे डिपेंड करेगा, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंसी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉड्यूल क्वेश्चन है, और एक अरसा हो गया है कि एग्जाम में नहीं आया है, तो ये बहुत ज़्यादा चांस रखता है एग्जाम में आने का, ध्यान रखना था, एज इट इज़ ये जो क्वेश्चन लिखे हुए ना, इनमें से कुछ ना कुछ बैठ जाएगा, ध्यान रखना पेपर लीक। चलो, व्हाट आर द फैक्टर्स, तीन फैक्टर्स है क्या, मटीरियलिटी, ROMMS एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब ये तीनों पॉइंट को समझाने के लिए ना दो स्ट्रक्चर है, पहले उसको मीनिंग समझा देने का उसका, क्या ROMMS मतलब क्या होता है, मटीरियलिटी मतलब क्या होता है, मीनिंग समझा देने का, और उनका रिलेशनशिप समझा देने का विथ विथ वॉट, ऑडिट एविडेंस, और क्या, और सबका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सबका क्या है डायरेक्ट। अब मटेरियलिटी मतलब क्या होता है, मटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर टू द यूज़र, कि मतलब कोई चीज़ कितनी मटेरियल होती है वो उस बेसिस पे डिपेंड करता है कि यूज़र के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब इनकम एक्सपेंडिचर आइटम, अकाउंट बैलेंस मतलब असेट लाइबिलिटी आइटम, समझ में आ रहा है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर तो नोट्स टू अकाउंट्स वाले आइटम्स, नोट्स टू अकाउंट्स वाले आइटम्स, ठीक है, तो मैंने समझा दिया, व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियलिटी, मटेरियलिटी मीन सिग्निफिकेंस ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर टू द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट एविडेंस के साथ इसका क्या रिश्ता है, डायरेक्ट रिश्ता है, बोला जैसे जैसे चीज़ें मटीरियल, अगर जो जितनी ज़्यादा मटीरियल होगी उतना ज़्यादा एविडेंस इकट्ठा करना है, जितनी कम मटीरियल होगी उतना कम एविडेंस इकट्ठा करना होगा तो चलेगा, इफ़ दी असर्शंस आर, असर्शन मतलब वही आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर असेट लाइबिलिटी, तो इफ़ दी असर्शंस आर लेस मटीरियल टू द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड, बट इफ़ दी असर्शंस आर मोर मटीरियल टू द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मोर एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड, सिंपल, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट। अब ROMMS तो मालूम ही अपने को, कि ROMMS मतलब जो रिस्क मुझे ऑडिट शुरू करने से पहले ही फील हो जाए, तो रिस्क द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट, उसको बोलते हैं ROMMS, ये कंटेंट नहीं याद रखोगे तो चलेगा, कॉम्पोनेंट्स उसके नहीं याद रखोगे तो चलेगा, फिर रिलेशनशिप डायरेक्ट बोल देने का, कि अगर रिस्क लो है तो कम एविडेंस, अगर रिस्क हाई है तो मोर एविडेंस, सिंपल से, द डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द साइज ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स इन द पॉपुलेशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स इन द पॉपुलेशन, जितनी छोटी पॉपुलेशन है उतना कम एविडेंस, छोटी और सेम टाइम होमोटाइप, और जितनी बड़ी और हेट्रो पॉपुलेशन है उतना ही ज़्यादा एविडेंस लगेगा, ऑब्वियसली हमको मालूम ही है, ठीक है, तो आई गेस ये बहुत ही सिंपल आंसर था, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंसी, तीन फैक्टर्स हैं, मटीरियलिटी, मटीरियलिटी, रिस्क ऑफ MMS, और तीसरा इज साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये भी हो गया, तो जनरलाइजेशंस के बाद हम लोग ने एक क्वेश्चन नंबर, एक जनरल क्वेश्चन किया था, ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो अपन ने देखा, आई गेस क्वेश्चन नंबर 7 ही था ना ये, फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंसी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंसी। तो पहले सफिशिएंसी का मतलब समझा देने का कि इट इज़ अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ बॉडी एविडेंस, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस लास्ट क्वेश्चन और ये चैप्टर खत्म। आधे घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिया ये चैप्टर पूरा। यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट, यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट। याद है दो टाइप के एक्सपर्ट होते हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट और ऑडिटर्स एक्सपर्ट। SA620 में ऑडिटर्स एक्सपर्ट देखा है, 620 वैसे है नहीं सिलेबस में, पर समझने लायक था कि ऑडिटर भी अपना एक्सपर्ट हायर कर सकता है या फिर ऑडिटर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट यूज़ कर सकता है। मैनेजमेंट का एक्सपर्ट मतलब मैनेजमेंट का अपॉइंट किया हुआ बंदा, जैसे मैनेजमेंट का लॉयर, मैनेजमेंट का वैल्यूएशन के लिए एक्चुअरी को अपॉइंट किया, जिसको भी अपॉइंट किया। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट का भी काम यूज़ कर सकता हूँ, मतलब वैल्यूएशन पे एक्चुअरी ने वैल्यूएशन की रिपोर्ट दे रखी है, तो वही वैल्यूएशन की रिपोर्ट को मैं भी अटैच कर सकता हूँ अपनी ऑडिट रिपोर्ट के साथ में। अटैच कर रहा हूँ मतलब मैं उसके काम को यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं उसके काम पर रिलाई कर रहा हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हाँ वैल्यूएशन प्रॉपर है क्योंकि ये बंदे ने रिपोर्ट करके दिया है कि वैल्यूएशन प्रॉपर है और मुझे इसका काम प्रॉपर लग रहा है, ये रेप्यूटेड बंदा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब अगर आपको किसी का भी काम यूज़ करना है, यूज़ करना है मतलब उनके काम पे रिलाई करना है, तो ऑब्वियसली बिना सोचे समझे तो नहीं करेंगे ना। तो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको उस एक्सपर्ट का कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी इवेलुएट करना है। क्या इवेलुएट करना है? कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी, क्या वो क्वालिफाइड एक्सपीरियंस है या नहीं, उसने ऐसे काम किए हैं कि नहीं, उसका स्टार रेटिंग कैसा है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब वो इंडिपेंडेंट तो है, वो रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, वो कंपनी का कोई एम्प्लॉय तो नहीं है, समझ में आ रहा है? क्योंकि कंपनी का एम्प्लॉय एम्प्लॉय होगा तो फिर मेरे को उसके काम पर ज़्यादा भरोसा नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले तो ये देखना है कि कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी, कि क्या एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस केपेबल है और ऑब्जेक्टिव है मतलब अनबायस्ड है। और उसके बाद आप उसके काम का अंडरस्टैंडिंग लो, फिर उसके काम को समझो कि बेसिकली उसके काम में होता क्या क्या है, वैल्यूएशन में क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या फैक्टर्स डिसाइड करने पड़ते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद फिर आप चेक कर पाओगे ना कि उसका वर्क प्रॉपर है कि नहीं। तो पहले तो आप ये देखो कि वो बंदा रिलायबल है कि नहीं, रेप्यूटेड है या नहीं। पहले तो आप ये देखो कि वो बंदा रिलायबल रेप्यूटेड है या नहीं, कॉम्पिटेंट है, केपेबल है, ठीक है, अनबायस्ड है, समझ में आ रहा है? उसके बाद आप ये देखो कि उसका काम को समझो थोड़ा थोड़ा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो उसके काम का, और फिर उसके काम को चेक करो कि वो अप्रोप्रिएट इवेल्युएट है, इवेल्युएट करो कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, समझ में आ रहा है? तो ये तीन चीज़ देखने के बाद यू कैन रिलाई, मतलब यू कैन टेक अ डिसीजन वेदर टू यूज़ द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट और नो। खत्म हो गया, समझ में आ रहा है? क्लियर है? आई होप ये भी क्लियर है, और इसी के साथ साथ 500 क्लियर होता है। करेक्ट इनकरेक्ट अब देखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो मॉक टेस्ट पेपर में नहीं आया है तो ऑब्वियसली अब एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा, ठीक है। अदर PPQs भी इतने खास नहीं है देखने लायक, समझ में आ रहा है? हाँ, बस उसमें से एक क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना, बहुत हो जाएगा, वो इसी के ऊपर है, यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, जो भी अपन ने आंसर किया। हर स्टैंडर्ड के बाद में कुछ कीवर्ड्स है, ठीक है, आई होप इस पर तुम ध्यान रखो, ये वर्ड्स दिखे तो समझ जाना वो SA500 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वी टेक अ स्मॉल ब्रेक। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट SA501। 501 इज ऑडिट एविडेंस, स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम, नाम याद रखना है। SA501 इज स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, और तीन आइटम सिलेक्ट किए वो लोग ने, तीन आइटम सिलेक्ट किए, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम्स और सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब तीनों के ऊपर अलग अलग शॉर्ट नोट्स है और टोटल ऐसे मिला के कुछ 6-7-8 शॉर्ट नोट है, तो फटाफट देख लेते हैं फटाफट। SA501 इज ऑल अबाउट इन्वेंट्री, तो इसमें ना तीन टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे ये टोटल 8 क्वेश्चन थे, मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाला क्वेश्चन को इंक्लूड कर लो, तो ऐसे करके अपना SA500 रैपअप हो गया था 8 क्वेश्चन में। सेम वे 501 को भी वही लगना है, कुछ 7-8 क्वेश्चन है 501 में भी। सबसे पहले अपन इन्वेंट्री में देख लेते हैं। इन्वेंट्री में तीन टाइप के क्वेश्चन हैं, एक तो उसका मेन ऑडिट प्रोसीजर है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, दो दो मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैं बताऊंगा अभी।
और एक प्लानिंग अटेंडेंस, अगर मैं इन्वेंट्री काउंट अटेंड करने जा रहा हूँ तो क्या क्या करूँगा प्लानिंग में, ये तीन टाइप के क्वेश्चन है बस, ठीक है। और ऑब्वियसली हर स्टैंडर्ड ऑर्डर को क्या देता है ड्यूटी, तो हर स्टैंडर्ड में ड्यूटी तो याद रखना ही रखना है, और यहाँ का ड्यूटी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, इस टॉप टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इस टॉप टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के जो भी इन्वेंट्री है क्या वो एग्जिस्ट करती है, अरे इन्वेंट्री जो बुक्स में दिख रही है क्या वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, और एग्जिस्ट करती है तो कैसी है एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वेंट्री, इस तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस टॉप टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, बोलो मेरे साथ साथ में, इस ऑब्जेक्टिव क्या है इस टॉप टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वेंट्री, पहले तो ये देखेंगे ना एग्जिस्ट कर रही भी रही है कि नहीं कर रही है, और कर रही है तो फिर उसका कंडीशन देखेंगे, कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री, ठीक है। अब ऑडिट प्रोसीजर्स देखते हैं कि अगर इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अगर इन्वेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ऑडिटर को एविडेंस ऑब्टेन करना है रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री, कैसे, बाय अटेंडिंग द फिजिकल काउंट ऑफ द इन्वेंट्री, जो मैनेजमेंट कंडक्ट करती है तो मैनेजमेंट से पूछ लो भाई कब हो रहा है, नॉर्मली ईयर एंड पे होता है, तो बाय अटेंडिंग द फिजिकल काउंट ऑफ द इन्वेंट्री अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो एंड वाइल अटेंडिंग, तो ये बेसिकली जो अपन देख रहे हैं, जो मैंने तुम्हें बताया, ये मेन ऑडिट प्रोसीजर्स देख रहे हैं अपन, ठीक है। सो इफ इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री बाय अटेंडिंग द फिजिकल काउंट ऑफ द इन्वेंट्री अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो एंड वाइल अटेंडिंग द फिजिकल काउंट, वाइल अटेंडिंग द फिजिकल काउंट मतलब क्या क्या, चार चीज़ें करनी है, इवेलुएट ऑब्जर्व इंस्पेक्ट परफॉर्म, बोलो, इवेलुएट ऑब्जर्व इंस्पेक्ट परफॉर्म, इवेलुएट इवेलुएट वॉट, इवेलुएट द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाई द मैनेजमेंट फॉर रिकॉर्डिंग द इन्वेंट्री काउंट, मतलब भाई आप लोग इन्वेंट्री काउंट कैसे रिकॉर्ड करते हो, कि कुछ एम्प्लॉयज़ है वो काउंटिंग करते हैं फिर रजिस्टर में एंट्री करते हैं, मतलब कैसे करते हो, इवेलुएट द प्रोसीजर मतलब उनसे पहले पूछो कि क्या आप कैसे आप इन्वेंट्री काउंटिंग कैसे करते हो, ये पूरा प्रोसीजर कैसे होता है, और फिर वो आपको रिलायबल लग रहा है कि नहीं वो चेक करो। सो इवेलुएट 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 द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट टू रिकॉर्ड द इन्वेंट्री काउंट एंड ऑब्टेन एविडेंस एज टू वेदर दोज प्रोसीजर्स आर रिलायबल, समझ में आ रहा है, तो प्रोसीजर को इवेलुएट करो और बाद में एविडेंस ऑब्टेन करो कि वो प्रोसीजर रिलायबल है या नहीं है, बेसिकली अपन उनका इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हैं। देन ऑब्जर्व ऑब्जर्व वॉट, ऑब्जर्व द फिजिकल काउंट बींग परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट, इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट वॉट द इन्वेंट्री और क्या, एंड परफॉर्म टेस्ट काउंट, वो एक लॉट आ रहा होगा उसको रोक के अपन खुद काउंटिंग करेंगे, याद है, तो इवेलुएट ऑब्जर्व इंस्पेक्ट परफॉर्म, इवेलुएट वॉट वापस से बोलना, इवेलुएट द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट टू डू द इन्वेंट्री काउंटिंग एंड ऑब्टेन एविडेंस एज टू वेदर दैट प्रोसीजर इज रिलायबल, अपने ओन वर्ड। उसके बाद इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री, ऑब्जर्व 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 द फिजिकल काउंट बींग कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट, और ऑब्जर्व करते करते इंस्पेक्ट कर सकते हो, और इंस्पेक्ट करते वक्त काउंटिंग भी कर सकते हो, परफॉर्म टेस्ट काउंट, और बाद में यही देखो कि जो फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स है, जो मेन इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स है और इन्वेंट्री काउंट का जो रिजल्ट है वो मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ये दो दो मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। व्हाट इफ द फिजिकल काउंट ऑफ द इन्वेंट्री 31 मार्च को ना हो कि किसी और दिन हुआ, तो ठीक है, तो अभी जैसे 31 मार्च को ना हो कि मे को हुआ, 31 मे को हुआ, तो 2 महीने के बीच में जो भी इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, स्टॉक आया गया उसका रिकन्सिलिएशन करके देख लो और क्या, तो परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंस एज टू वेदर द चेंजेस इन द इन्वेंट्री बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द बैलेंस शीट डेट और एक्चुअल जो काउंट डेट है उसके बीच में जो चेंजेस है क्या वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए हैं, ये देख, ठीक है। उसके बाद इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड, इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड द फिजिकल काउंट ऑफ द इन्वेंट्री ड्यू टू अनफोरसीन सर्कमस्टेंस, जैसे लॉकडाउन वॉकडाउन आ गया, तो वही ऑल्टरनेटिव डेट पे अटेंड करो और परफॉर्म ऑडिट ऑन इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन। व्हाट इफ द अटेंडेंस इज इम्प्रैक्टिकेबल, अरे भाई अटेंडेंस पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट बीच में नाटक कर रही है, हमने गोडाउन इन्वेंट्री गोडाउन का एक्सेस मांगा, उसने बोल दिया नहीं दूंगी, फिर हमने बोला कि कोई बात नहीं यार इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स तो देते हैं, तो बोला वो भी नहीं दूंगी, तो मतलब सबसे पहले अगर आपको मेन प्रोसीजर नहीं करने को दिया जा रहा है, इफ़ द अटेंडेंस ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट गोडाउन में है जाके अटेंड करने को नहीं दिया जा रहा है, इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल, तो परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब बोले चल यार गोडाउन में नहीं जाने दे रही है तो बुक्स तो दे, समझ में आ रहा है, तो ऑडिटर चल परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री, मतलब ये वही ड्यूटी वाला लाइन है कि परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, मतलब इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स तो दो, समझ में आ रहे, अगर वो भी नहीं हो रहा है
इफ दैट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो, मतलब मैनेजमेंट हमारे स्कोप पे क्या लगा रही है, लिमिटेशन, तो मैं क्या कर दूंगा, ओपिनियन अपना मॉडिफाई कर दूंगा. तो ऑर्डर शैल मॉडिफाई दी ओपिनियन एज पर 705 एज देर इज अ लिमिटेशन ऑन द स्कोप. क्लियर है? सो इज इट वेरी क्लियर? इफ द अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकेबल, द ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री, एंड इफ इट इफ दैट इज नॉट पॉसिबल देन मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर 705 एज देर इज अ लिमिटेशन ऑन द स्कोप. इज इट वेरी क्लियर? बस दैट्स इट. नेक्स्ट, वॉट इफ द इन्वेंट्री इज लाइंग विद थर्ड पार्टी? अरे मैंने वो लोग को पूछा इन्वेंट्री किधर पड़ा है, तो वो लोग बोला अरे वो तो हम लोग इन्वेंट्री मेंटेन करते ही नहीं है, वो तो थर्ड पार्टी के पास वो लोग के गोडाउन में रख रखा है. सो दे आर सेइंग कि वी आर नॉट मेंटेनिंग द इन्वेंट्री, इट इज़ विद द थर्ड पार्टी. सो आई विल ऑब्टेन कन्फर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी एंड आई विल परफॉर्म इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर. इंस्पेक्शन मीन्स आई कैन इधर आई कैन इफ आई गेट द परमिशन टू फ्रॉम थर्ड पार्टी के कैन आई कम एट योर गोडाउन एंड इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री, तो आई विल गो एंड परफॉर्म इंस्पेक्शन ओवर देयर. और अदर ऑडिट प्रोसीजर आई विल आस्क दी दैट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो रख रखा है, जिसको आउटसोर्स कर रखा है, वहाँ के ऑडिटर को बोलूँगा कि भाई तू चेक करके मेरे को रिपोर्ट बता. समझ में आ रहा है? ऐसे भी बोल सकते हैं. सो इफ द इन्वेंट्री इज लाइंग विद अंडर द कस्टडी और कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी, देन ऑब्टेन कन्फर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टीज एंड परफॉर्म इंस्पेक्शन एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स. दीज आर टू टू मार्क्स क्वेश्चन. दीज आर टू टू मार्क्स क्वेश्चन. इट कैन कम इन द एग्जाम फॉर टू टू मार्क्स, टू क्वेश्चन फॉर टू टू मार्क्स मेकिंग इट 4 मार्क्स. एंड द वेटेज इज दैट ओनली 4 और 3 मार्क्स, दैट्स इट. एंड द लास्ट वन इज अदर पॉइंट्स मैटर रेलिवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग. द लास्ट शॉर्ट नोट ऑन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज ओवर देन. सो वी हैव कंप्लीटेड इन्वेंट्री इन जस्ट 10 मिनट्स गाइस. ठीक है? सो क्विक रिविजन कैन बी डन इफ यू रिमेंबर द की वर्ड्स प्रॉपरली एंड द टेक्निक बाई विच वी हैव रिमेंबर्ड द आंसर एंड द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ टुमारो वी हैव टू गो फॉर इन्वेंट्री काउंटिंग. सो वॉट प्लानिंग विल डू? फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज द इन्वेंट्री, नेचर ऑफ द इन्वेंट्री. अरे इन्वेंट्री क्या है? वॉट इज द नेचर ऑफ द इन्वेंट्री? क्या है? इज इट अ फ्रजाइल आइटम? इज इट अ ड्यूरेबल आइटम? इज इट अ केमिकल? इज इट अ पेरिशेबल गुड्स? सो नेचर ऑफ द इन्वेंट्री एंड विच स्टेज इज इट इन इट्स लाइफ साइकिल? इज इट अ रॉ मटीरियल? इज इट सेमी फिनिश गुड? इज इट अ फिनिश वन? सो स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड द इन्वेंट्री इज मेंटेन्ड ऑन विच सिस्टम, इधर परपैचुअल और पीरियोडिक. ओके देन सो दीज थ्री टू बी रिमेंबर्ड टुगेदर. ओके वॉट इज द इन्वेंट, नेचर ऑफ द इन्वेंट्री, विच स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज इट इन, एंड पीरियड ऑफ मेंटेनिंग, सॉरी मेथड ऑफ मेंटेनिंग द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री सो इन्वेंट्री सिस्टम पीरियोडिक और परपैचुअल. देन रिस्क रिलेटेड टू द इन्वेंट्री, अरे रिस्क रिलेटेड टू इन्वेंट्री एंड रिस्क को काउंटर करने के लिए व्हाट इज द इंटरनल कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री. ओके सो रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल टू बी रिमेंबर टुगेदर. देन रिमेंबर कहाँ जाना है, कब जाना है, किसी को साथ लेके जाना है क्या, मतलब व्हेन आई हैव टू गो फॉर इन्वेंट्री काउंटिंग, व्हेन कब जाना है, वेयर वेयर एट व्हाट ऑल प्लेसेस आई हैव टू कंडक्ट, आई हैव टू अटेंड द काउंटिंग. देर आर मेनी ब्रांचेस, देर आर मेनी गोडाउन्स, सो नोइंग अबाउट द लोकेशंस, व्हेन मीन्स टाइमिंग, नोइंग अबाउट द लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू हैव टू रिमेंबर इट कम्प्लीटली. ऐसा आधा अधूरा, हाफ हाफ हार्टेड नहीं, पूरा यू हैव टू रिमेंबर इट कम्प्लीटली. सो नोइंग अबाउट द लोकेशन एट विच द इन्वेंट्री इज हेल्ड, नोइंग अबाउट द लोकेशंस, नोइंग अबाउट द लोकेशन, फर्स्ट यू नो अबाउट द लोकेशन वेर द इन्वेंट्री इज हेल्ड एंड डिसाइडिंग एट विच लोकेशन द अटेंडेंस इज नेसेसरी बेस्ड ऑन द मटीरियलिटी एंड रिस्क. एनी वेयर वेर द मटीरियलिटी इज हाई एंड द रिस्क इज हाई, ऑब्वियसली you want to go to that location first. So where and whether assistance of any expert is required. For example, remember I was saying ki, oh inventory is a chemical, I want to check the composition of the chemical and I have no idea about it, so I'll take a chemical engineer along with me. Whether assistance of auditor's expert is required, expert इज रिक्वायर्ड. ओके कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, कब जाना है, किसी को साथ लेके जाना है क्या,
मतलब व्हेन यू हैव टू गो, टाइमिंग, वेयर ऑल यू हैव टू गो बेस्ड ऑन मटेरियलिटी एंड रिस्क, एंड डू यू नीड एन एक्सपर्ट अलॉन्ग विथ यू, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. दीज आर द मैटर्स रिलेवेंट इन प्लानिंग. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम. दीज आर ऑल द PPQs, यू कैन हैव अ लुक लेटर ऑन. ओके, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्लानिंग अटेंडेंस एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग. And again, this one was the 2 2 marks a question, very important again. And all these are the same main audit procedures, question on main audit procedures. Okay. So Tariq pe Tariq hum aa jaate hain litigation and claims pe. So litigation and claim pe again auditor ka duty kya hai, is to obtain sufficient appropriate audit evidence ki all the pending litigation and claims have been identified and disclosed as per applicable FRF. Matlab yahi check karna hai ki jo bhi cases pending hai, are they identified and are they disclosed? Okay. So for that, what are the main audit procedures? Again, this litigation and claim, there is a main audit procedure. Then there is a special audit procedure if you feel there is more risk. Then there is this question, very important for 3 marks. Okay, what if you decide to meet? Okay, and that's it. The rest, there is no other question that can come. So this question can come. This is the one question that can come. And this is the second question that can come on litigation and claims, and I guess it has already come in the recent exams, this meet one. Okay. See, it came in the exam, 3 marks. So let us understand this fast. Audit procedures with respect to litigation and claims. So first I'll conduct an inquiry with the management and देर इन हाउस लीगल काउंसिल, मीन्स वो लोग के लीगल डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करूँगा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करूँगा और लीगल डिपार्टमेंट, लीगल एडवाइज़र, इन हाउस लीगल काउंसिल से इंक्वायरी करूँगा. क्या इंक्वायरी करूँगा कि भाई बता दो क्या क्या लिस्ट ऑफ, जस्ट प्लीज टेल मी वॉट आर द पेंडिंग लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड हैव आर दे प्रॉपरली डिस्क्लोज, मीन्स इफ द चांस ऑफ लूजिंग इज मोर देन 50% देन मेक अ प्रोविजन, इफ इट इज़ लेस देन 50% देन कंटिजेंट लाइबिलिटी. Show it as a contingent liability. So conduct an inquiry. First one is oral. First we'll do oral inquiry. Conduct inquiry with the management and the in-house legal counsel. Then is documentary. Review the minutes of the meeting of TCWG where they might have taken a decision on any case going on. They have made a provision. Okay, review the correspondence between the entity and external legal counsel. For example, if there is a big criminal case going on, so obviously they would have hired a big criminal lawyer outside of their organization. So review the correspondence, their mail. Okay, then review the legal expense account as to how much fees they have paid. Is it unusually high? Okay, so review the legal expense account, fees paid to the lawyers. Okay. So conduct an inquiry. First one is oral, rest 3 is documentary. Okay, so conduct an inquiry with the management and the in-house legal counsel, review the minutes, review the correspondence, review the legal expense account. Okay, next. Now after doing all these audit procedures, after conducting the inquiry, then reviewing the minutes, then correspondence and the accounts, legal expense account, if the auditor identifies any risk, if he is understanding that maybe management is hiding something from me, so if he assesses ROMMS, risk of MMS regarding litigation and claim, what he can do, he can send a general letter of inquiry to whom? To the external legal counsel. Okay, please reply me with all the list of litigation and claims and request for a direct communication to him. तो इट इज़ जस्ट लाइक वो अपन डेटर कन्फर्मेशन के लिए कैसे मैनेजमेंट के थ्रू जाएंगे और बाद में वो डेटर डायरेक्टली अपने को रिप्लाई करेगा, सेम वे ये चीज़ के लिए भी अपन पहले मैनेजमेंट के पास जाएंगे कि मुझे आपके लॉयर से कम्युनिकेट करना है, मुझे उनसे कोई रिस्पॉन्स चाहिए, तो आप ज़रा भेजो उनको मेरा लेटर. तो मैनेजमेंट भेजेगी और वो डायरेक्टली अपने को रिप्लाई करेगा. सो ऑर्डर विल सेंड अ जनरल लेटर ऑफ इंक्वायरी टू द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल एंड रिक्वेस्ट फॉर अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद हिम. ओके, देन वॉट अगर मान लो कोई कम्युनिकेशन नहीं आता है या फिर उसको प्रोहिबिट कर रखा है तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा. लेकिन अगर उसको लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है, मतलब ही फील्स एनी रिस्क इवन फॉर द जनरल लेटर ऑफ इंक्वायरी, सो ही मे सेंड, तो ही माइट डिसाइड टू मीट. कब?
इफ अगर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, मैटर इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड देर इज़ अ डिसएग्रीमेंट, मैनेजमेंट कुछ बोल रही है और लॉयर बाहर का कुछ और बोल रहा है, तो देर इज़ अ डिसएग्रीमेंट विद इन द मैनेजमेंट एंड मतलब वॉट एवर वट द मैनेजमेंट हैज़ डिस्क्लोज, द लिस्ट गिवन बाय द मैनेजमेंट टू मी एंड द लिस्ट गिवन बाय द काउंसिल, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल इज़ नॉट मैचिंग. मैनेजमेंट इज सेइंग द चांस ऑफ लूजिंग इज लेस देन 50%, वेर एज द लॉयर इज सेइंग द चांस ऑफ लूजिंग इज मोर देन 50%. सो देर इज अ डिसएग्रीमेंट. सो वेन एवर देर इज अ डिसएग्रीमेंट, significant risk involved or the matter is complicated, it is better to meet face to face and clarify everything. So auditor may decide to meet and this meeting will be held in the representative of the management in attendance. And then see, now everyone knows that we cannot obtain all the list, will not be able to conclude over each and every pending litigation and claim because we don't have much time, there are inherent limitations. So we carry our protection with ourselves इन द फॉर्म ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन. अपना प्रोटेक्शन साथ में लेके चलते हैं ऑडिटर के. ऑडिटर सेफ साइड में क्या बोलते हैं, लोग कह के लेते हैं, हम लिखवा के लेते हैं कि आप लिख के दे दो, ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट ऑल द पेंडिंग लिटिगेशन एंड क्लेम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड. ये वाला लाइन ही याद रखना है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस, कि ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट ऑल द पेंडिंग लिटिगेशन एंड क्लेम्स. तो यू जस्ट गिव टू अस इन राइटिंग कि वी आई 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 वी हैव डिस्क्लोज्ड ऑल पेंडिंग लिटिगेशन एंड क्लेम, बिकॉज वी वॉन्ट बी एबल टू कंडक्ट ऑडिट ऑन एवरी लिटिगेशन क्लेम. सो वी विल कवर फ्यू बट यू गिव अस टू गिव 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 इट टू अस इन राइटिंग वी हैव कवर्ड ऑल द लिटिगेशन एंड वी हैव डिस्क्लोज्ड ऑल द पेंडिंग लिटिगेशन क्लेम्स. ओके, सो इफ द मैनेजमेंट रिफ्यूजेज टू गिव परमिशन टू कम्युनिकेट और मीट, इफ द लॉयर रिफ्यूजेज टू रिस्पॉन्ड, इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस बाय परफॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, in all the cases you can modify the opinion as per 705 and litigation and claim is over. Okay, next is segment reporting. Segment reporting mein in also segment reporting there are only two short notes. Okay, so basically it is compliance with AS 17. I hope you know AS 17. There are three criteria ke sales, assets and profits wala segment, theek hai. So the duty of the auditor kya hai, the duty of the auditor is to obtain sufficient appropriate audit evidence that all the segment information have been presented and disclosed, means all the reportable segments have been reported separately, theek hai. So auditor has to obtain evidence regarding, and when a segment becomes reportable, when it satisfies either of the criteria of AS 17, it either has 10% of the total sales or 10% of the profits or 10% of the assets. So next, what are the audit procedures with respect to segment information? The first one is obtain an understanding of the methods adopted by the management to determine segment information. So first auditor will question the management, how do you identify reportable segment, bro? So obtain an understanding about the methods adopted by the management to determine the segment information, then evaluate whether those methods are in compliance with the applicable FRF, means the AS 17 ke methods hai ya nahi, just check that. Then if you want to be double sure, double protection you want, then test the application of such methods and perform analytical procedure or other audit procedure. That's it. It's a very simple answer. This is a first short note that can come. What are the audit procedures with respect to segment information? First, you evaluate the methods, obtain an understanding. First, you obtain an understanding about the methods adopted by the management to determine segment information. Give a look, segment information, matlab reportable segments identify kaise karte hain? पहले तो ये समझो उनसे, फिर ये देखो कि जो भी वो बता रहे कि सर ऐसे 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 करते हैं, तो क्या वो मेथड जो उनके है, क्या वो AS 17 वाली है, आर इन कम्प्लायंस विद एप्लीकेबल FRF? अगर जो है फिर भी मन अगर मान नहीं रहे, तो टेस्ट दी एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड एंड परफॉर्म एनालिटिकल एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, और भी दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ ये जो था ना कि ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग एंड इवेल्युएट दोज मेथड्स, तो हाउ विल यू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद ऊपर दूसरा शॉर्ट नोट, तो फॉलोइंग मैटर्स विल बी रेलिवेंट. वही तीनों क्राइटेरिया, सेल, प्रॉफिट, असेट्स, सब में एकदम मैकेनिकली ऐसे सेल बिटवीन द सेगमेंट, प्रॉफिट अमंग द प्रॉफिट बिटवीन द सेगमेंट, एसेट बिटवीन द सेगमेंट्स. और लास्ट में एक और चीज़, चेक कंसिस्टेंटली विद द प्रायर पीरियड्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सेगमेंट वॉज रिपोर्टेबल इन द लास्ट ईयर, वेदर इट इज रिपोर्टेबल इन दिस ईयर एज वेल, एंड इफ इट इज नॉट रिपोर्टेबल, और वाइस वर्सा यू कैन से द सेगमेंट वॉज नॉट रिपोर्टेबल last year, it is reportable current in the current year, why it was not reportable in the last year. Okay, so whether consistency with the prior period, so is it
segments which are reported in the previous year also, whether they are reportable this year also, or you can say segments which are reportable in the current year were reportable in the previous year also. If they were not reportable, in respect of inconsistency, give proper disclosures, give proper reasons why they were not reported. Okay, so give proper disclosures with respect to inconsistency. That's it. 501 is over. And there are two short notes. This was the second one. Even segment reporting is very, very important. It can come in exam for 3 to 4 marks, guys. So make sure you prepare all the short notes acche se. Segment reporting has two short notes. 501 again has two short notes. One is this meet wala, 3 marks. But I feel the chances are more of this if they want to ask this. And out of all the three, inventory segment, this litigation and claimant segment, I feel more chances are of segment information. So make sure you prepare both the short note or segment information very well. Okay, thank you so much, guys. So we wrap up our session for today over here. SA 500 we have completed, and SA 501, just in a matter of 15-20 minutes you can revise this chapter easily. Okay, so I hope you liked it. Please do tell me in the comment box if you want anything else, and do give your comments in the comment section whether you like the video or not. Thank you so much, guys. Take care. Bye.